कुछ नए चीज़ BARC रिटन टेस्ट के बारे में मैं हर साल सीखते जाता हूँ और वीडियोस में ऐड करते जाता हूँ। दो साल 17 और 18 में तो मैंने खुद ही निकाला ये रिटन टेस्ट को, पर उसके बाद स्टूडेंट्स को गाइड करते करते किन लोगों का एग्ज़ाम निकल रहा है, किन लोगों का नहीं निकल रहा, जो निकाल पा रहे हैं वो क्या डिफरेंटली कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उन सबको जोड़ जाड़ के मैंने ये वीडियो बनाया तुम्हारे लिए। बिल्कुल सिंप्लीफाई रखा है इसे, सबसे सिंपल 5 पॉइंट्स में तुम्हें बताऊंगा जो बहुत इजी है फॉलो करना और बहुत ज़रूरी है। एक भी पॉइंट फालतू होता तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा था, और प्रॉपर रीज़न बताऊँगा क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, पहला, इस एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उससे कि किस क्वेश्चन को करना है। अब बात को ध्यान से समझो, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, टाइम 120 मिनट, और 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में +3 अगर गलत किया तो, -1 अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, ऑब्वियस सब आते हैं, ठीक। अब तुम्हारा टोटल 300 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ये कट ऑफ कितना जाता है, 110 से 152-155 तक वैरी करते हुए देखा है मैंने, सारे ब्रांच का मिला के, कभी कभी चला जाता है 160 तक भी, ठीक है। वो सारे डिफरेंट ब्रांचेस के वीडियोस मैंने बना ही रखे हैं, तुम अपना पर्टिकुलर ब्रांच को चूज़ कर लो और उसके स्पेसिफिक जो भी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, उन्होंने बता दिया। ये एक होलिस्टिक वीडियो है जो सारे ब्रांच के लिए काम करेगा। तो ये पैटर्न है ना, इससे सबसे पहले क्या समझ में आता है कि ऑन एन एवरेज 50% स्कोर करने से ये एग्ज़ाम निकल जाता है। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। पहला जो मैं अभी बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे कट ऑफ इतना लो क्यों जाता है कभी सोचा है तुमने? क्योंकि BARC रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो वहाँ पे किया ही नहीं जा सकता 1-2 मिनट के अंदर। मतलब तुम्हें अगर 120 मिनट मिल रहा है और 100 क्वेश्चन मिल रहा है तो यही हुआ ना ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर मिनट, यही हुआ। लेकिन अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 5 मिनट लग रहा है या फिर 10 मिनट लग जा रहा है, या फिर इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें 15 मिनट लग जाएगा, तो उसे करने से क्या फ़ायदा जब सारे के सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स तुम्हें दे रहे हैं, सबके सब तुम्हें 3 मार्क्स ही दे रहे हैं, +3 ही दे रहे हैं, समझ में आया? तो मैं वैसा क्वेश्चन को पकड़ूंगा जो मेरा जल्दी हो जाए और वैसा क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, मतलब तुम्हें देख के ही समझ में आ जाएगा। BARC रिटन टेस्ट के तो कितने क्वेश्चन होंगे एकदम पैराग्राफ लिखा हुआ है, देख के ही समझ में आ जाएगा, छोड़ देना, समझ में आया? तो वो जज करना वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-phase rule तो मैंने तुम्हें बता ही के रखा है, वो तो बिल्कुल इसी एग्ज़ाम के लिए बना है, BARC के लिए तो गारंटी 2-phase ही है, भले तुमने गेट में नहीं अप्लाई किया। लेकिन जिस भी एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के होते हैं, जैसे BARC, ISRO, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स, इसके लिए तो 2-phase rule बिल्कुल परफेक्ट है, समझ में आया? क्योंकि बढ़ते जाएंगे, जो सिंपल है मारते जाएंगे, उसके बाद 2nd phase में आएंगे और जो भी डिफिकल्ट है उसे करते जाएंगे, तो उसे तो अप्लाई कर ही लिया। उस 2-phase में भी 2nd phase में भी तुम्हें समझना है कि ये क्वेश्चन तो भले ही आता है लेकिन तुमसे नहीं बनेगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये तो भाई प्रैक्टिस से ही होगा। तुम में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस को जज कर पाओगे। यही चीज़ मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि नए क्वेश्चन को जितना ज़्यादा नए क्वेश्चन देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस इंप्रूव होगा नए क्वेश्चन को डील करने के लिए। कहाँ से सॉल्व करना मैंने बता के रखा, फिर से एक बार बता देता हूँ। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए होंगे तुमने तो अब उसके बाद 4 मार्क कर लेना। ES के अगर नहीं किए तो अभी कर लो, कम से कम जो भी तुम्हारा BARC के सिलेबस से मैच खाता है वो अलग कर लो। उसके अलावा अगर मैकेनिकल हो तो इसके मंडल से का क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि वहाँ से खासकर ऐसे एंड मोमेंट में जब तुम्हारा तैयारी एक बार हो चुका है तो वो कर सकते हो। इसके अलावा ISRO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया तो अभी कर लो, ये सारे बहुत सारे चीज़ है। उसके बाद PSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम दूसरे ब्रांच के हो तुम्हारे भी भर के होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर कंप्यूटर साइंस के हो तो तुम्हारे लिए TIFR के क्वेश्चंस है, हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होता ही है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन कर लेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लाओ। अभी तुम्हारा एक बार तैयारी हो चुका है गेट के लिए, BARC में बस प्रैक्टिस ही इम्प्रूव होता है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा नए क्वेश्चंस को जज करने का आदत बनेगा। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज प्ले ऑन योर फ्रंट फुट, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी गेट क्या होता है ना, वहाँ पे 0 mistake फिलॉसफी होता है कि तुमने एक भी गलती किया तो मतलब समझ लो तुम रैंक में पीछे जा रहे हो। अभी यहाँ पे तुम उतना केयरफुली किए, क्योंकि गेट में अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है, यहाँ पे तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए बस 1 मिनट मिलेगा। और ऐसा मत सोचना कि लेवल अलग रहेगा, लेवल बिल्कुल गेट का ही रहता है, कभी कभी गेट के ऊपर लेवल का भी रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है ना, तुम अगर उतना केयरफुली करोगे ना कि एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है,
तो फिर तुम बहुत सारा मतलब कट ऑफ क्रॉस करने के लिए जितने क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं यहाँ पे, अगर 50 टू 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उतना नहीं कर पाओगे। अगर 40-45 क्वेश्चन अगर तुम एकदम 100% करके आ गए तो भी तुम्हारा 120 से 130 नंबर ही आएगा, और हो सकता है कट ऑफ तुम्हारा 150 चला जाए। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें गलती करने का चांस मिलता है, मतलब कि तुम अगर एक दो क्वेश्चन गलत कर दिए उसके वजह से तुमने अगर 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, मान लो तुमने 10 क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट किया उसमें से दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो मतलब 8 से क्या हुआ +23 और 2 से क्या हुआ -1, यानी कि तुम प्लस -1 यानी कि तुम +21 प्रॉफिट में गए। यही होता है, यही चीज़ तुम्हारा इसरो में भी होता है, मतलब थोड़ा सा तुम्हें रिस्की खेलना पड़ता है यहाँ पे कि जल्दी जल्दी थोड़ा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बर्बाद कर दिया फास्ट करके सब कुछ माइनस मार्क्स में चला गया, वो अगर हो रहा है तुम्हारा तो समझ लो तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है प्रॉपर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस हो गया तो थोड़ा ऑफेंसिव खेलना स्टार्ट करना होगा इसको, तभी तुम्हारे इसरो में भी ऐसा ही है। खासकर जो ईयर मैंने दिया था 2018 या फिर इवन 2020 का पेपर जो था उसमें भी ऐसे ही है, अगर तुमने हाई स्पीड में करके 5 क्वेश्चन ज़्यादा बना दिया उसमें से 2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गया, फिर भी तो तुम क्या हो, प्रॉफिट में ही हो, मतलब तुम्हारा प्लस में ही कुछ आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑलवेज प्ले ऑन योर फ्रंट फुट। तीसरा पॉइंट, 1 question 1 minute का पुराना फिलॉसफी है जो गेट के अलावा जो भी एग्जामिनेशन होता है सब में आता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया 1 question के लिए तुम्हें 1 minute मिल रहा है, तो अभी से अपने आप को वैसा ट्रेन करना स्टार्ट करो। मैं क्या करता था ना, जैसे ही मेरा 2017 का गेट ख़राब हुआ मैंने पहला काम यही किया, मैंने समझ लिया कि इसको एग्ज़ाम में 1 question 1 minute में बनाना है, मैक्सिमम 1 minute लगना चाहिए, समझ में आया। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें 10-20 सेकंड में भी बन जाएंगे, लेकिन वो कंपनसेट होगा वैसे क्वेश्चन से जिसमें शायद तुम्हें 2 minute लग जाए जो तुम आखिरी के 10-20 मिनट में बनाओगे एग्ज़ाम के, लेकिन मेजॉरिटी देखे ऑन एन एवरेज देखे तो 1 minute में बन जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, टाइमर लिया। टाइमर लेना क्या है, तुम्हारे मोबाइल में ही टाइमर है, ठीक। उसके बाद उसमें टाइमर जैसे ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया ना, ऑन किया, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे कैसे क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस के सारे क्वेश्चन 1 minute के ही रहते हैं तो वो वैसे ही है, गेट के सारे 1 marks क्वेश्चन 1 minute में सॉल्व करने लायक होते हैं, तो वैसे सारे क्वेश्चंस को उठाओ और जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने से पहले टाइमर को ऑन करो, पढ़ो और सॉल्व, जब आंसर आ गया टिक मारने तक तुम्हारा 1 minute में हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस डेवलप करो, ओवर टाइम तुम्हें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तक तुमने नहीं किया है, तो ये 1 question 1 minute का फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर BARC एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे तो अभी से करना स्टार्ट कर ही दो। अभी इससे एक और चीज़ पता चलता है, मैंने बताया ना कि वो जो 50% अगर कट ऑफ जा रहा है तो इससे बहुत सारे तुम्हें चीज़ क्लियर होंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे छोड़ सकते हो, और मैंने वो सारे BARC का सब्जेक्ट या फिर ब्रांच स्पेसिफिक वीडियो में बता ही दिया है कि कौन सारे सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, 3 साल से मैंने देख लिया, 2 साल खुद ही अपीयर किया, उसके बाद भी जो मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब चैनल देखने के बाद जो एग्ज़ाम दी उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो मैथ्स आता ही नहीं है, 1-2 question आता है, उसके लिए तुम पूरा थोड़ी पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस और ये सब, तो इसीलिए मैथ्स को छोड़ सकते हो फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इंडस्ट्रियल को छोड़ सकते हो। सब चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे तुम्हें छोड़ने का चांस दिया जाता है ना, उस टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्योंकि हमें 60 question करने ही हैं या फिर बहुत हुआ तो 70 कर लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे तुम, ठीक, जैसा पेपर अभी तक आ रहा है, तो 30 question छोड़ने ही है, तो वैसे वैसे सब्जेक्ट हम क्यों ना छोड़ के जाए जिससे बस 1 या 2 question आ रहे हैं, क्योंकि वो आया तो वो 30 में ही चला जाएगा, जो मेजॉरिटी है हीट ट्रांसफर को हम छोड़ नहीं सकते, थर्मोडायनेमिक्स तो हम छोड़ नहीं सकते, तो उसे तो हम पूरा करके जाएंगे, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। तो ये हो गया कि कुछ सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो तो उस पर ज़्यादा फोकस हो जाएगा जो तुम्हें करना है, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर में अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल गेट वाला वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा, ऑनलाइन अवेलेबल ही है, अभी तो ऐप्स भी आ गए हैं, तो उसे डाउनलोड करो और जो भी कैलकुलेशन करना है न्यूमेरिकल उसी में करो, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी एज बनेगा जिनका उसमें अच्छा प्रैक्टिस है, 2 से 3 question तो वो आराम से निकाल लेंगे, और इतने ही क्वेश्चन चाहिए होते हैं कंपटीशन में घुसने के लिए और कंपटीशन से बाहर फेंकाने के लिए। बस इतना है, कुछ छोटे चीज़ बता देता हूँ जो थोड़े कम सीरियस स्टूडेंट को शायद अभी तक नहीं पता होगा, कि अपना 10th का मार्कशीट का जेरोक्स और 12th का मार्कशीट का जेरोक्स एक बार एडमिट कार्ड में पढ़ लेना क्या क्या लाने बोल रहे हैं, वो सब लेके जाना, क्योंकि वो चेक करते हैं घुसने से पहले तुम्हारा बायोमेट्रिक भी होगा, और जाने के बाद करीब 40 से 50 मिनट तुम्हें वहीं पे बैठना होगा, बाकी सब चीज़ इंटरफेस ये सब सारा चीज़ गेट के जैसा है, थोड़ा अलग है, मतलब जो पैनल वैनल है थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन होगा सारा वही सब चीज़ जो गेट में होता है,
तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है BARC रिटन टेस्ट के लिए, अपने एक्सपीरियंस से बताया है तो सुन लो और ले लो और यूटिलाइज़ करो और इस एग्ज़ामिनेशन को निकालो। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका गेट ख़राब हो गया है। इक्वली उतना ही अच्छा, और बहुत लोग बोलेंगे कि उससे भी अच्छा जॉब तुम्हें देता है जितना तुम्हें गेट देता है। BARC काफ़ी अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेजुएटेड ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही आ जाता है कि गेट ख़राब चल गया तो लोग हार मान जाते हैं, और उसके बाद जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। ये मत करना, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे आगे जाके, क्योंकि तुम देखोगे कि तुम्हारे से पीछे रैंक वाले भी जाके BARC निकाल लिए। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे से आगे रैंक वाले भी 2017 में BARC नहीं निकाल पाए और उन्होंने रिपीट किया एक साल और, जबकि मैंने BARC ले लिया। ऐसा बहुत होता है, बस मैं ही एक केस नहीं हूँ, काफ़ी केसेस हैं। 3,000-4,000 रैंक वाले को भी मैं BARC में जाते हुए देख चुका हूँ। उससे भी बुरा बुरा चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बहुत केसेस, मतलब ऐसे लोग की जो मेरा वीडियो देख के BARC निकाल लिए, उनका एक साल ट्रेनिंग भी खत्म हो गया, अभी वो साइंटिफिक ऑफिसर्स ही बने हुए हैं, समझ में आया। और रैंक ऐसे ही कुछ 3,000-4,000, एक केमिकल में कुछ ऐसा शायद 15,000-16,000 कुछ ऐसा रैंक था। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो मैंने कितने लोगों को देखा है जिन्होंने गेट दिया भी नहीं। मेरे ही बैच में थी एक लड़की, उसका फाइनली जाके रैंक 2 आया BARC ट्रेनिंग स्कूल में, उसने तो दिया भी नहीं था गेट एग्ज़ाम। तो गेट से तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, हाँ गेट में अच्छा रैंक है तो डायरेक्ट इंटरव्यू में कॉल आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी है गेट में अच्छा रैंक, या फिर गेट नहीं भी दिया तो भी इक्वल चांस है। और उसके बाद तुम कितना भी रैंक लेके आओ रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ यू गॉट इन टू द इंटरव्यू रूम। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना। चलो इसे यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।